करोड़ की लागत से नगर निगम बनाएगा ये मॉल। 125 दुकानें पहले चरण में होंगी आवंटित। 5000 स्क्वायर फीट जमीन की गई है चिन्हित। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खरीदार और दुकानदार महिलाएं ही होंगी, जहां महिलाओं से संबंधित बेचे जाएंगे सामान। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला को मिलेगा रोजगार का मौका। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चारबाग में बनेगा शहर का पहला महिला मॉल, जो 17 करोड़ की लागत से नगर निगम बनाएगा मॉल। 125 दुकानें पहले चरण में होंगी आवंटित। 5000 स्क्वायर फीट जमीन की गई है चिन्हित इस मॉल के लिए, जहां खरीदार और दुकानदार महिलाएं ही होंगी। महिलाओं से संबंधित सभी सामान यहां पर बेचे जाएंगे, महिलाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चारबाग में महिलाओं के लिए पहला मॉल बनने जा रहा है, जो 17 करोड़ की लागत से बनेगा। 125 दुकानें पहले चरण में आवंटित की जाएंगी। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, बस पलटने से कई लोग घायल हुए हैं। सांड के बीच सड़क पर आ जाने से हुआ था ये हादसा। औरैया में सांड की भी बस में दबकर मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सदर कोतवाल सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, इंडियन ऑयल चौकी के भावपुर में हुआ है ये हादसा। बस पलटने से कई लोग घायल हुए हैं। सांड के बीच सड़क पर आ जाने से ये हुआ था हादसा। औरैया में सांड की भी बस में दबकर मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती और सदर कोतवाल सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। सांड के बीच में आ जाने की वजह से ये सड़क हादसा हुआ और सांड की भी इस हादसे में मौत हो गई है। तमाम लोग घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाल सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में तमाम लोग घायल हो चुके हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाल सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है, जहां इंडियन ऑयल चौकी के भावपुर में हुआ है यह पूरा हादसा। बस पलटने से कई लोग घायल हुए हैं। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसानों के बीच जाकर माहौल सुधारेगी भाजपा। पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र में जाएगी भाजपा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की रैलियों का रोड मैप तैयार किया गया है, जहां भाजपा का सदस्यता और मतदाता अभियान जोरों पर है। पूर्वांचल की राजनीति और समीकरण पर भाजपा की नजर। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जहां किसानों के बीच जाकर माहौल सुधारेगी भाजपा सरकार। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र में जाएगी भाजपा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की रैलियों का रोड मैप तैयार किया गया है, जो भाजपा का सदस्यता और मतदाता अभियान किया जाएगा। पूर्वांचल की राजनीति और समीकरण पर भाजपा की है नजर। विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद में हुआ है ब्लैकआउट, एक घंटे से ज्यादा समय तक बिजली रही है ठप। सिविल अस्पताल में मरीजों का हुआ है बुरा हाल। मोबाइल फोन की लाइट में डॉक्टरों ने किया है इलाज, मरीजों को उठानी पड़ी भारी परेशानी। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब फरीदाबाद में ब्लैकआउट हुआ है, एक घंटे से ज्यादा समय तक बिजली ठप रही है, जहां सिविल अस्पताल में मरीजों का हुआ है बुरा हाल, जहां मोबाइल फोन की लाइट में डॉक्टरों ने किया है इलाज, मरीजों को उठानी पड़ी है भारी परेशानी। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घंटों लाइट ना आने की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जहां सिविल अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल हुआ है। मोबाइल फोन की लाइट में डॉक्टरों ने किया है मरीजों का इलाज,
मरीजों को उठानी पड़ी है भारी परेशानी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर करीब 5 लाख लोगों को नहीं लगी है वैक्सीन की डोज, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने नहीं लगवाई दूसरी डोज। राजधानी में 39 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का चलेगा अभियान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाएगा ये अभियान। गर्भवती महिलाओं से की गई है टीका लगवाने की अपील, बुजुर्ग और दिव्यांग को घर पर लगेगी वैक्सीन। सीएमओ कार्यालय के फोन नंबर दे सकते हैं ये सूचना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां करीब 5 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं लगी है, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने नहीं लगवाई है दूसरी डोज। राजधानी में 39 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है डोज। घर घर जाके वैक्सीन लगाने का चलेगा अभियान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाएगा ये अभियान। जहां गर्भवती महिलाओं से की गई है टीका लगवाने की अपील, बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर पर लगेगी ये वैक्सीन। सीएमओ कार्यालय के फोन नंबर पर दे सकते हैं ये सूचना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तमाम लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, करीब 5 लाख लोगों को नहीं लगी है ये वैक्सीन, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने नहीं लगवाई है दूसरी डोज, जिस पर राजधानी में 39 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है पहली डोज। घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का चलेगा अभियान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाएगा ये अभियान। जहां गर्भवती महिलाओं से की गई है टीका लगवाने की अपील, बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर पर लगेगी ये वैक्सीन। सीएमओ कार्यालय के फोन नंबर पर दे सकते हैं सूचना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां करीब 5 लाख लोगों को नहीं लगी है वैक्सीन की डोज, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने नहीं लगवाई है दूसरी डोज। जहां राजधानी में 39 लाख से ज्यादा लोगों को पहला टीका लग चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो गौरव, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है? जैसा कहा जा रहा है कि तमाम लोगों को अभी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगी है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब से कि कोरोना चल रहा था और उसके बाद वैक्सीन आई थी, तब से उत्तर प्रदेश लगातार सरकार ने लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि वैक्सीन सब लोग उपलब्ध हो। और जिसमें उत्तर प्रदेश द्वारा बेहतर प्रयास भी किया गया है, उत्तर प्रदेश में लगभग 8 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग वैक्सीन लग चुकी है। पर अगर लखनऊ की बात करें तो लगभग 5 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लग पाई है। क्योंकि लखनऊ की अगर आबादी की बात करें, लगभग लखनऊ की और ग्रामीण की आबादी मिलाकर लगभग 44 लाख की आबादी, 45 लाख की आबादी होती है। और अगर हम ग्रामीण में जाते हैं तो लगभग 50 लाख की लगभग आबादी है। तो कुछ लोगों को लग चुकी है, लगभग 5 से 6 लाख लोग अभी बाकी है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो एक्चुअली पहले हो क्या रहा था कि पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता, अब तो गवर्नमेंट ने विदाउट रजिस्ट्रेशन कर दिया है कि आप वहां पर जाइए और वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, और तमाम संगठन भी है वो भी काम कर रहा है, कई पार्षद संगठन है वो भी काम कर रहा है, वो भी लगातार लगवा रहा है, चाहे फर्स्ट डोज की बात हो चाहे सेकेंड डोज की बात हो। पर अभी एक नई व्यवस्था की गई है कि स्वास्थ्य विभाग अब छूटे हुए इलाकों में घर घर जाकर वैक्सीन लगवाएगा, और गर्भवती महिलाओं से खासतौर पर अपील की जाएगी कि वो भी वैक्सीन लगवाए, और बुजुर्ग और दिव्यांग को घर पर ही वैक्सीन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सेवो अलग अलग सीएमओ कार्यालय के नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिसपे लोग संपर्क कर सकते हैं और उनको घर जाके वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। गौरव, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि 5 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो उन 5 लाख लोगों में क्या ये वो लोग हैं जिनको एक डोज लग चुकी है या दोनों डोज नहीं लगी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग जब से वैक्सीन को शुरू हुआ है, प्रथम डोज होता है, शुरुआत में प्रथम डोज का ये कहा गया था कि एक महीने का आपका गैप रहेगा, उसका दूसरी डोज लगाई जाएगी। पर धीरे धीरे बता दिया गया कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसमें आपको लगभग 82 दिन का अंतर रखना पड़ेगा। उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे और लोग दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंचे हैं। तो जानकारी के मुताबिक लखनऊ में फिलहाल 5 लाख लोग हैं जिनको अभी एक भी डोज नहीं लगी है, ना पहली लगी है ना दूसरी लगी है, और जो 15 लाख से अधिक लोग हैं जिनके पास दूसरी डोज भी नहीं लग पाई है। तो माना जा रहा है लोग असमर्थ है, ठंड की तमाम चीजें हैं, साथ ही लगाए भी चल रही तमाम समस्याएं रही है, और जिस तरह से डेंगू पैर पसार रहा था उसको देखते भी, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक अगर कोई बुखार हो या कोई समस्या हो या बीमारी हो तो आपको वैक्सीन की डोज नहीं लेनी चाहिए,
तो ये बड़े कारण हो सकते हैं जिनके कारण वैक्सीन नहीं लगवाई दूसरी डोज। हालांकि विभाग कह रहा है कि अब हम घर घर जाकर वैक्सीन लगवाएं, खासतौर से जिनको दूसरी डोज नहीं लगी है उनको भी ये बाकायदा उनको जागरूक किया जाएगा कि आप जाके दूसरी डोज लगवाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा है आज, जहां पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास का कार्यक्रम है, जहां स्थलीय निरीक्षण के बाद अफसरों से मीटिंग करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज नोएडा दौरा है, जहां पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास का कार्यक्रम है, जहां स्थलीय निरीक्षण के बाद अफसरों से मीटिंग करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो गौरव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सीएम योगी की आज गौतम बुद्ध नगर दौरे के अलावा सबसे पहले जो दौरा उनका रहेगा वो रहेगा कानपुर का। सबसे पहले चूंकि हम आपको बता दूं कि दो दिन से उत्तर प्रदेश के प्रवास पर जेपी नड्डा आए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा लगातार बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया जा रहा है और एक रणनीति बनाई जा रही है आगामी 2022 के चुनाव को लेकर। तो आज मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम जो है वो कानपुर पहुंचने का है, और मुख्यमंत्री वहां पर कानपुर पहुंचने के बाद वहां पर जो बूथ अध्यक्ष है उनको संबोधित भी करेंगे, और इसके अलावा जेपी नड्डा के साथ जो वहां के पदाधिकारी है और जो रणनीतिकार है और जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित भी करेंगे और चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा वहां पर एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। अगर और संबोधन की बात करें तो जो विशिष्ट कार्यक्रम आज वहां पर है, वो विशिष्ट कार्यक्रम वहां पर जो कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको वहां बुलाया गया है, और विशेष रूप से बूथ अध्यक्षों का यही कार्यक्रम है, वहां पर उनको संबोधन किया जाएगा। वहां पर जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वहां जाएंगे और वहां बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और चुनाव को लेकर रणनीति बनाते नजर आएंगे। उसके बाद साथ जो अन्य कार्यालय वहां खुलना है उनका भी वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर के लिए लगभग 4 बजे निकलेंगे, क्योंकि 25 नवंबर को वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, जिसको जेवर इंटरनेशनल रिपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम देखेंगे। गौरव, और कौन कौन से मंत्रीगण के होने की संभावना बताई जा रही है? देख, फिलहाल तो जानकारी के मुताबिक वहां पर जेपी नड्डा रहेंगे, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर बूथ अध्यक्ष को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो अगर मुख्यमंत्री के गौतम बुद्ध नगर दौरे की बात करें तो मान सकता है मुख्यमंत्री के साथ साथ वहां पर महेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री है और नागरिक उद्यान मंत्री जो आपके प्रीतिश नंदगोपाल नंदी है वो भी वहां पर जाएंगे, और वहां पर जो चूंकि 25 नवंबर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस कार्यक्रम की रूपरेखा देखेंगे और अधिकारी और विभागीय अधिकारियों को और वहां पर जो कार्यक्रम है उसकी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा किस तरह की तैयारी वहां चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा का दौरा है। राजधानी में डेंगू के 12 नए मामले आए हैं सामने, शहर के कई इलाकों में मिले हैं ये मरीज। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू किया है ये सर्वेक्षण, 3,233 घरों का सर्वेक्षण हुआ है, घरों में मच्छरों के पनपने से जारी किया है नोटिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में डेंगू के 12 नए मामले सामने आए हैं, शहर के कई इलाकों में मिले हैं ये पूरे मरीज। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू किया है ये सर्वेक्षण, जहां 3,233 घरों का हुआ है ये सर्वेक्षण, घरों में मच्छरों के पनपने से जारी किया है नोटिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में डेंगू के 12 नए मरीज मिले हैं, जो शहर के कई इलाकों में मिले हैं मरीज, और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुरू किया है ये सर्वेक्षण, 3,233 घरों का सर्वेक्षण किया गया है, घरों में मच्छरों के पनपने से जारी किया है नोटिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में
राजधानी में 12 नए डेंगू के मरीज मिले हैं, जहां 3,233 लोगों के घरों का सर्वेक्षण किया गया है। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध शराब से कमाई गई है संपत्ति जब्त, पूर्व प्रधान द्वारा शराब बेचकर अर्जित संपत्ति जब्त की गई। निरीक्षक तहसीलदार मितौली के नेतृत्व में हुई है ये कार्रवाई, धारा 14(1) के तहत जब्त की गई है ये संपत्ति। नीम गांव थाना क्षेत्र के नगर गांव का है ये पूरा मामला, अवैध शराब से कमाई गई संपत्ति जब्त की गई है। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां निरीक्षक तहसीलदार मितौली के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है, धारा 14 के तहत जब्त की गई है संपत्ति। नीम गांव थाना क्षेत्र के नगरा गांव का है ये पूरा मामला, अवैध शराब से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया गया है लखीमपुर खीरी में। पूर्व प्रधान द्वारा शराब बेचकर अर्जित की गई थी ये पूरी संपत्ति, निरीक्षक तहसीलदार मितौली के नेतृत्व में हुई है ये कार्रवाई। नगरा गांव का है ये पूरा मामला, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो धीरज, किस तरीके की जानकारी पूरी मिल पा रही है इस खबर पर? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी के नीमगांव कोतवाली क्षेत्र का मामला, जहां पर जिलाधिकारी के आदेश पर जो है गंगेश्वर के आरोपी के कुर्की की कार्रवाई की गई है, जहां पर तहसीलदार और लेखपाल पुलिस प्रशासन मौजूद रहा है। बाकायदा 14(1) के तहत पूरी कार्रवाई की गई है। वो जो है मिनी जो है उनका राइस मिल भी कुर्क किया गया है और संपत्ति भी जब्त की गई है, क्योंकि ये पहले से गंगेश्वर का आरोपी था और कई काफी दिनों से फरार भी चल रहा है। जी, इनकी संपत्ति जब्त की गई है, और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? देखिए, बिल्कुल पूरी संपत्ति इनकी जब्त की गई है। एक मिनी राइस मिल है इनका, वो भी जब्त किया गया है, और बाकायदा अन्य जो इनकी संपत्ति है वो भी तलाश की जाए, उसे भी कुर्क किया जाएगा, तहसीलदार ने जो जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 150 नई बसों को खरीदेगा परिवहन निगम। 45 करोड़ की लागत से खरीदी जाएगी यूरो की 6 बसें। लखनऊ में 5 सदस्यीय समिति ने दी है इसकी मंजूरी। एनसीआर में चलेंगी 5 सीएनजी बसें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 150 नई बसों को खरीदेगा परिवहन निगम। 45 करोड़ की लागत से खरीदी जाएगी यूरो की 6 बसें। लखनऊ में 5 सदस्यीय समिति ने दी है इसकी मंजूरी। एनसीआर में चलेंगी 50 सीएनजी बसें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 150 नई बसों को खरीदेगा परिवहन निगम। 45 करोड़ की लागत से खरीदी जाएगी यूरो की 6 बसें। लखनऊ में 5 सदस्यीय समिति ने दी है इसकी मंजूरी। एनसीआर में चलेगी 50 सीएनजी बसें। लखनऊ से इस वक्त की अगली बड़ी खबर, लखनऊ में थप्पड़ कांड एक बार फिर से। ओला ड्राइवर को प्रियदर्शनी ने मारे थे कई थप्पड़। कुछ दिन पहले शहादत अली को मारे थे कई थप्पड़, जहां थप्पड़ कांड का वीडियो खूब हुआ था वायरल। ओला ड्राइवर शहादत अली ने की राजनीति में एंट्री। थप्पड़ कांड में मशहूर ओला ड्राइवर राजनीति में एंट्री की है। शहादत अली ने ज्वाइन की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। पुरुषों के लिए काम है शहादत, पुरुषों को न्याय के लिए चुना। बड़ी खबर, ओला ड्राइवर को प्रियदर्शी ने मारे थे कई थप्पड़। दिन पहले अली को मारे थे कई थप्पड़ कांड का वीडियो खूब हुआ था वायरल, जहां ओला ड्राइवर शहादत अली ने की है राजनीति में एंट्री। थप्पड़ कांड में मशहूर ओला ड्राइवर राजनीति में एंट्री मिली है। शहादत अली ने ज्वाइन की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। पुरुषों के लिए काम करना चाहते हैं शहादत, पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए शहादत ने चुना है।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ओला ड्राइवर को प्रियदर्शनी ने मारे दी गई छप्पड़। एक बार फिर से एक बार थप्पड़ कांड सामने आया है। कुछ दिन पहले शहादत अली को मारे थे थप्पड़। थप्पड़ कांड का वीडियो हुआ था वायरल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजहर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? को बता दें, अब से कुछ महीना पहले जब एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़के एक ओला ड्राइवर को थप्पड़ मारती है, और एक नहीं कई थप्पड़ मारती है। उसके बाद ये मामला काफी ज्यादा गरमाया भी था जब इस वीडियो को वायरल किया गया था, इस वीडियो के वायरल होने के बाद। और अब जैसा कि सादत अली ने राजनीति में एंट्री कर दी है, और आपको बता दें अभी कल की ही बात है कि सादत अली ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, और उनका साफ तौर से ये कहना है कि मैं जो पुरुषों के मुद्दे हैं उनको लेकर मैंने राजनीतिक पार्टी में एंट्री की है, और जो महिलाओं द्वारा पुरुष प्रताड़ित होते हैं उनको लेकर मैं आवाज उठाऊंगा, उन पुरुषों की आवाज उठाऊंगा, इसको लेकर वो राजनीतिक पार्टी में इसको लेकर वो राजनीति में एंट्री की है उन्होंने। तो शहादत अली क्या विचार करते हैं कि अगर राजनीति में राजनीति ज्वाइन कर लेंगे तो राजनीति ज्वाइन करने के बाद वो इस तरीके का जो बदलाव करना चाहते हैं क्या वो बदलाव कर पाएंगे? जी शहादत, बिल्कुल आपको बता दें, एक जब इंसान किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है या किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है तो उसका एक एजेंडा होता है। ऐसे ही सादत अली अपना एक एजेंडा लेकर चुनावी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि सादत अली कितना उन मुद्दों को उठाते हैं और किस तरीके से आगे वो चलते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजहर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। यूपी को 700 नए एटीएम शाखाओं की सौगात। एटीएम के साथ नई बैंक शाखाएं खोलने की मिली है मंजूरी। अगले साल 31 मार्च तक खुलेंगी सभी शाखाएं। दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी को 700 नए एटीएम शाखाओं की सौगात दी गई है। एटीएम के साथ नई बैंक शाखाएं खोलने की मिली है मंजूरी। अगले साल 31 मार्च तक खुलेंगी सभी शाखाएं। दिसंबर तक चलेगा ये विशेष अभियान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी को 700 नए एटीएम शाखाओं की सौगात दी गई है। एटीएम के साथ नई बैंक शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है। अगले साल 31 मार्च तक खुलेंगी ये सभी शाखाएं। दिसंबर तक चलेगा इसका विशेष अभियान। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, युवा व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है, दुकान पर ही हुई है व्यापारी की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ है ये पूरा मामला। व्यापारी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सदर बाजार के कोर्ट रोड का है ये पूरा मामला। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सहारनपुर में एक व्यापारी की हार्ट अटैक से मौत हुई है, दुकान पर ही उसकी मौत हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है ये पूरा मामला। व्यापारी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सदर बाजार के कोर्ट रोड का है ये पूरा मामला। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का आज होगा प्रस्तुतिकरण। सचिव पवन कुमार और मुख्य अभियंता शासन में प्रस्तुत प्रोजेक्ट। एलडीए ने तैयार की है पूरी बुकलेट। बुकलेट में सरकारी महकमों की 150 एकड़ जमीन का ब्योरा किया जाएगा, जहां पे सरकारी विभागों से जमीन लेगा एलडीए विभाग। एयरपोर्ट एलिवेटेड रूट मामले की आज कोर्ट में होगी सुनवाई। एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी कोर्ट में होंगे पेश। सेतु निगम ने भूखंडों पर गाड़ दिए थे खंभे। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का आज होगा शुभारंभ, जहां सचिव पवन कुमार और मुख्य अभियंता शासन में प्रस्तुत रहेंगे। एलडीए ने तैयार की है इसकी बुकलेट। बुकलेट में सरकारी महकमों की 150 एकड़ जमीन का ब्यौरा किया जाएगा, जहां सरकारी विभागों से जमीन लेगा एलडीए विभाग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह की मुलाकात हुई है। शिवपाल सिंह यादव ने भाई से की है मुलाकात। मुलायम सिंह यादव का कल था जन्मदिन।
शिवपाल ने जन्मदिन की बधाई देकर लिया है आशीर्वाद। शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह की हुई है मुलाकात। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह से आशीर्वाद ले रहे हैं और मुलायम सिंह शिवपाल सिंह यादव को आशीर्वाद देकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। शिवपाल